नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊँगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए, अभी तक आपने पहली 5 राशियों के बारे में जान चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, उन वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। जिन लोगों की कन्या राशि है, वह उनका ये वर्ष अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। यानी वो लोग जिनकी राशि कन्या है, उनको अपने जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और सालों की अपेक्षा। व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ी पूंजी खर्च करके महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने का विचार बनेगा। हो सकता है कि अगर आप कोई व्यावसायिक क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, तो बड़ी पूंजी खर्च करके, यानी बहुत पैसा खर्च करके आप कोई नया काम वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर या कारखाना मालिक हैं अथवा एजेंसी अथवा व्यवसाय करते हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपका काम होगा। इसके लिए आपको बैंक से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है और आपको ले लेना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या कोई कारखाना आप चला रहे हैं, उस पर कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आर्थिक मदद लेना पड़ेगा। पारिवारिक दायित्व आपका बढ़ेगा, यानी कोई नया आपकी जिम्मेदारी आपके पास आ जाएगी। नया भवन बनाकर उसे व्यावसायिक दृष्टि से उपयोग बनाने में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते कोई नया मकान बना के उसको किराए पे देना है, या कोई फैक्ट्री बना के उसको किराए पे देना है, यानी कि ऐसी कोई भवन बनाए जो व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बनाए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो नई नियुक्ति कुछ समय के लिए तत्काल मिल जाएगी। यानी कि आप, हो सकता है आप रिटायर हो रहे हो, आपकी एज इतनी है कि आप रिटायर होने वाले हो इस साल, तो जैसे ही आप इधर रिटायर होंगे, आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी आसानी से। अगर आप कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मकान आदि खरीदना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कृषि बागवानी कोल्ड स्टोरेज के लाभ भी होगा। अगर आप कृषि के क्षेत्र में या बागवानी के क्षेत्र में भी आप कुछ काम करना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के इन प्रकार की जो फैक्ट्री है वो लगाना चाहते हैं, तो वो भी इस साल आप लगा सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी हो या कोई भवन बनवा रहे हो, तो उनको आपको आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। घर में सदस्य संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है आपके घर कोई नया मेहमान आ जाए, तो घर की सदस्य संख्या आपकी बढ़ सकती है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। श्रम की अधिकता से उदर विकार, तनाव आदि का कष्ट हो सकता है, क्योंकि जब आप इतना काम करेंगे तो आपके ऊपर तनाव जरूर रहेगा, और तनाव रहेगा तो पेट संबंधी समस्या आपकी बनी रहेगी। आपको अपने कार्यानुसार यात्रा से पर बाहर जाने के मौके भी मिलेंगे। जो आपका कार्य है, मान लीजिए आपका ऐसा कोई कार्य है जिससे बार बार आपको बाहर जाना पड़ता हो, यानी कि बाहर जाके आपको काम करना पड़ता हो, तो इसके लिए आपको यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। धार्मिक स्थल का भ्रमण भी आप इस साल करेंगे। फरवरी से मई के मध्य आनंददायक यात्राएं हो सकती है। हो सकते हैं आप कोई अच्छी अच्छी जगह जाकर मजे करें। इस प्रकार ये फरवरी से मई के बीच में ऐसा आपके साथ हो सकता है। मन चाहे स्थानांतरण के योग भी बन जाए। जहां आप चाह रहे वहां पर आपका स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में फिर से आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। यदि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको नई नई जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ सकता है, यानी आपको हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आप चाहते हैं कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा हो और सभी कार्य आपके सफल हो, तो आपको गणपति जी और हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय।